नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। थाना चित्रकूट पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी कागजातों के सहारे गाड़ियां फाइनेंस कराने वाले बीमा कंपनी के एजेंट सहित दो अन्य साथियों को गिरफ्तार करते हुए 7 गाड़ियों को बरामद किया है। SDOP चित्रकूट आशीष जैन द्वारा थाना चित्रकूट में जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके पास महिंद्रा फाइनेंस कंपनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके बीमा एजेंट कंचन सिंह पटेल द्वारा फर्जी कागजातों के सहारे तमाम गाड़ियों को फाइनेंस करवा दिया गया है, साथ ही कंपनी से नौकरी भी छोड़ दी गई है। SDOP द्वारा बताया गया कि थाना पुलिस द्वारा जब इस मामले की जाँच शुरू की गई तब तमाम परतें खुलती चली गईं। मुख्य आरोपी कंचन सिंह पटेल द्वारा अपने दो अन्य सहयोगियों शैलेंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर तमाम लोगों के फर्जी कागजातों के जरिए गाड़ियों को फाइनेंस करवाकर बीमा कंपनी को करीब 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। जांच के बाद पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों जिसमें मुख्य आरोपी कंचन सिंह पटेल और उसके दो अन्य सहयोगियों शैलेंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर 7 गाड़ियों सहित जिसमें 3 हुंडई कंपनी की और 4 मारुति कंपनी की गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है। SDOP द्वारा दी गई जानकारी के समय थाना प्रभारी चित्रकूट सुधांशु तिवारी और SI आशीष वरकड़े भी मौजूद रहे। प्रकरण हमारे सामने आया है, इसमें महिंद्रा फाइनेंस जो चित्रकूट थाना अंतर्गत स्थित है उसकी कर्मचारी ने हम शिकायत की थी कि कंचन सिंह पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गाड़ी फाइनेंस करवा कर किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है। उसमें इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये जो इसका इस पूरे फर्जी फाइनेंस का जो मुख्य आरोपी है वो कंचन सिंह पटेल है, जो चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ये क्या करता था, ये पहले किसी ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जहाँ से इसको आइडिया आया कि लोगों के जो फर्जी जो दस्तावेज ये फाइनेंस के दौरान प्राप्त करते हैं उनकी कॉपी करके, साथ ही उनके अलावा भी वो फर्जी दस्तावेजों को पूर्णकरण करके या कंप्यूटर के माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके ये अन्य जो फोर व्हीलर फाइनेंस कंपनियां हैं उनको उपलब्ध करा के किसी थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट किसी अन्य पार्टी के नाम से गाड़ी फाइनेंस कराते थे। तो इस तरह से इन्होंने अभी तक जो है मारुति कंपनी की 4 गाड़ियां और हुंडई कंपनी की 3 गाड़ियां जो विभिन्न व्यक्तियों को इन्हें फर्जी फाइनेंस के आधार पर फाइनेंस कराई थी। अब चूंकि इसमें क्या हुआ कि जो जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी फाइनेंस हुई थी उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने किसी तरह का लोन लिया नहीं था। जब उसके नाम से किस्त आनी शुरू हुई और बैंकों ने जो मूल व्यक्ति था उससे संपर्क किया, तो उस आधार पर जब उन्हें पता चला कि मेरे नाम से कोई गाड़ियां कहीं फाइनेंस हुई हैं, तो इस तरह से ये पर्दे खुलती गई और हमने जो है आरोपियों के से जो है 7 गाड़ियां जो आप थाना कैंपस में देख रहे हैं ये हमने बरामद करी हैं। इसमें मुख्य आरोपी के साथ 2 और आरोपी हैं उनके नाम धीरेन्द्र सिंह और शैलेंद्र सिंह हैं, वो भी जिला चित्रकूट और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों के रहने वाले हैं। 3 पकड़े गए हैं ना, 3 आरोपी पकड़े गए हैं जिनके अब नाम अभी तक उजागर हुए हैं और सोर्सेज की तलाश जारी है और उसके संबंध में थाना स्तर पर हमारी विवेचना की टीम लगी हुई है और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जगहों पर रेड मारकर आरोपियों की धर पकड़ में लगी हुई है।